अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद इब्राहिम। तो आज हमारा अचानक प्लान बना क्योंकि रुमान के शावर आए हुए हैं तो बारबेक्यू का, और मेरा तो वही रूटीन की बात है कि मेरी तो परहेज़ है तो मैं अपना जो परहेज़ाना मेरा खुराक है मैं वो लूँगा। लेकिन रुमान लोगों ने फरमाइश की थी कि यार आज बारबेक्यू खाएंगे अशरफी रोड पे, यहाँ पे जो मशहूर बारबेक्यू है, और रात के वक्त काफ़ी यहाँ पे देर तक बहुत रश होता है, हल गुला होता है। तो आपको दिखाते हैं, वीडियो ज़रूर देखें। मैं बड़े सफाई से और बड़े तरीके से सीखों में जो गोश है तो उसे डाल दिया जाता है और मसाले वगैरह पहले से ये लोग दे देते हैं, मेरीनेट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो होते हैं सीखे रेडी होते हैं, फिर यहाँ से लेके जाते हैं वहाँ पे, फिर उस ऑर्डर के मुताबिक सीख को जो है वो यहाँ पे चढ़ा दिया जाता है बारबेक्यू की साइड पे। इसमें अमूमन ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट सीख खाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि वो कढ़ाई में खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे तैयार किया जाता है, और यहाँ पे इसके साथ जो बड़ा बेहतरीन किस्म का रायता है, रायता मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे तैयार किया जाता है रायते को। और माशाल्लाह आप अगर रायता आप चेक कर सकते हैं तो बड़ा बेहतरीन किस्म का रायता यहाँ पे तैयार होता है। और उसके साथ यहाँ पे काउंटर है, काउंटर पर आपने जो पहले पेमेंट करनी होगी, ऑर्डर देना होगा, उसके मुताबिक फिर आपको ऑर्डर दिया जाएगा जितना भी है। जैसे कि अभी ये तैयार हो रहे हैं तो ये पक गए, रेडी हो गए, रेडी हो गए। हाँ, वो यहाँ पे कढ़ाई बनाई जाती है जो कलेजी भी साथ मिलती है यहाँ पे, और बारबेक्यू जिस तरह पहले सीखों में इसको थोड़ा सा पका दिया जाता है, उसके बाद फिर कढ़ाई में इसे पका दिया जाता है। तो रुमान लोगों का जो ऑर्डर रुमान लोगों ने दिया था वो तो तैयार हो चुका है, बैठ गए हैं। तो रुमान सीख के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रा तेज़ बोलें। क्या तेज़ बोलूं, मुंह में तिक्के ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक तो ये कि इन लोगों के जो तिक्के हैं माशाल्लाह वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, मुँह में पानी आ गए, लेकिन मैं नहीं खा सकता। अदनान भाई भी साथ मौजूद हैं और अफनान भाई भी मौजूद हैं। उनेस उनेस कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो आप क्या कहना चाहते हैं टिकों के बारे में? हाँ, पिशावर आए जो टिके ना कहे ऐसा समझो पिशावर आए। ठीक है, तो राय तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह 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 वाह, बड़ा बेहतरीन। तो कैसा रहा जायका? ज़बरदस्त। बनाने वाला भाईजान भी मौजूद है, लस्सी बॉक्स है। ये कितने गिलास लस्सी होगी? 100 गिलास आप तैयार करोगे? 100 रुपए गिलास। तो अफनान आप क्या कहते हैं लस्सी के बारे में, कैसी लस्सी तैयार हुई है? बहुत जबरदस्त। ज़बरदस्त है, आपने तो पी भी नहीं है, पी नहीं। ज़बरदस्त। तो रोमान आपकी तो मीठी लस्सी थी ना? डिलीशियस। अफलान ये देखे ना पहले। तो लस्सी भी तैयार हो गई, लस्सी भी लोगों ने पी लिया, और बस अभी आगे जाएंगे। तो मेरा तो मूड हो रहा है चाय पीने का, तो देखते हैं कि चाय भाई पीते हैं या नहीं बनाते हैं। तो वो चाय बनाने का तो आसिफ भाई ने कहा है कि आज इब्रार भाई आप अपने हाथों से हमें चाय बनाएंगे, तो आज मैं चाय बना रहा हूँ स्पेशल दूधपत्ती। दूध तो मैंने ऐड कर दिया, साथ में ये
इलायची भी ऐड किए, सब्ज़ इलायची भी ऐड किए साथ में निम को। यार चाय के साथ रात के वक़्त आप चाय और साथ में निम को तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। जो भी चाय बनती है और फिर उस चाय का जायका भी आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाइए। वाह वाह वाह, क्या कहना है, बेहतरीन किस्म का। अभी इसे अच्छी तरह उबाल लेंगे तो उसके बाद हमारी चाय हो जाएगी रेडी। बनाने वाले ने भी क्या चाय बनाई। चाय रेडी हो गई तो अभी पी के देखते हैं कि इसका जायका कैसा है। बेहतरीन, असल जायका जो असल फ्लेवर है वो सब्ज़ इलायची का है, बड़े मज़े का टेस्ट है। तो मैं चाय इंजॉय करता हूँ, चाय पीता हूँ, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।